अपना YouTube चैनल सोल्जर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, बिहार फायरमैन का रिजल्ट आ चुका है। आज हमारे एक स्टूडेंट आए हैं, उनसे आज मिलेंगे और उनसे पूछेंगे, उनका सिलेक्शन हो चुका है और उनसे पूछेंगे कि आपको सफलता कैसे मिला, यहाँ कैसे तैयारी कराया जाता है। सबसे पहले इनसे मिलते हैं। चलिए, आपका नाम? नाम सुशांत। हाँ, तो आप यहाँ यहाँ कैसे तैयारी हो रहा है? सर, रिजल्ट आने के बाद हम लोग अपने गांव में दौड़ रहे थे। अच्छा। वहाँ दौड़ने के बाद हमें एहसास हुआ कि इस बार कंपटीशन कुछ ज़्यादा है, हमें एकेडमी पकड़ना चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद हम सासाराम आए, यहाँ देखे कि सर के पास कुछ लड़के हैं, सर तैयारी करा रहे हैं। सोचे कि 5 दिन डेमो देख लेते हैं सर के पास। अच्छा। तो आने के क्रम में दौड़ चालू किए, देखे कि 5 दिन दौड़े तो कुछ हमको लगा कि नहीं, यहाँ कुछ कम हो जाएगा, अपना जो दौड़ जो है बढ़िया हो जाएगा। तो 5 दिन दौड़े, दौड़ने के बाद हमें ये पता चला कि सर थोड़ा सा अपने तरीके से दौड़ कराते हैं। तो आप यहाँ रनिंग कर रहे थे, तो मैंने पहले आप कर रहे थे और यहाँ आने के बाद आपको क्या अंतर लगा? अंतर यही लगा कि यहाँ सर डिसिप्लिन से सब काम करवाते हैं, जिसके वजह से आपका रनिंग जो है इम्प्रूव होता है। बस सर को फॉलो करते रहिए, आपका जो रनिंग जैसा भी हो वो इम्प्रूव होगा। आप यहाँ आए थे तो पहले आपका हाई जंप कितना हो रहा था और लास्ट में आप हाई जंप कितना किए थे? मेरा हाई जंप 4-4 हो रहा था। पहले आए थे तो 4 हो रहा था, फिर उसके बाद 4-4 हुआ। 4-4 होने के बाद दौड़ भी कुछ कम था, दौड़ में हमको 40 पार लग जाता था। 5:40 इनका लग रहा था, 5:45 लग रहा था। फिर लास्ट में आप जाते जाते कितना? जाते जाते हम 4:58 तक मार चुके थे। 4:58 इनके लिए जबरदस्त। और आपको यहाँ गोला आपको पहले कितना जा रहा था और फिर यहाँ आने के बाद आपको गोला कितना गया? गोला मेरा 18-19 ऐसे करके जा रहा था। अच्छा। और सर के मार्गदर्शन में गोला प्रैक्टिस किए, उसको हम 23 तक इम्प्रूव कर दिए। और रनिंग में अगर आप मैंने सपोर्टेड जो भी भाई अगर तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम अपने से कर लेंगे, और एक अकाडमी के माध्यम से, उसमें और अकाडमी में और अपने से क्या अंतर है? सर, मुझे भी लग रहा था कि मैं अपने आप से दौड़ को इम्प्रूव कर लूँगा, लेकिन 5-7 दिन दौड़ने के बाद हमें ये पता चला कि अपने से नहीं हो सकता। जब तक किसी सर के या किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। जो भी भाई अगर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यही बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, जब आपको 100% सिलेक्शन लेना है, फिजिकल में बढ़िया नंबर लाना है, तो किसी ना किसी एकेडमी को पकड़ना होगा। लेकिन उसमें आपको सोचना है कि कौन सा बेहतर एकेडमी है, उसके हिसाब से आपको एकेडमी पकड़ के अपना दौड़ चालू कीजिए। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि मना कोई एकेडमी पकड़ना है, तो आपको डिसीजन लेना है कि एकेडमी कौन पकड़े, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे एकेडमी बहुत मिलेंगे, मगर आपको डिसीजन लेना है कि हमको कहाँ करना है, क्योंकि देखिए रिजल्ट बार बार नहीं होता है। और जो भी भाई अगर नेक्स्ट बिहार पुलिस या मद निषेध का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट तो मान लीजिए कि अभी तैयारी कर रहे हैं तो होगा ही होगा, आपको 100% विश्वास है, तो आके सर के पास अपना जो है तैयारी स्टार्ट कीजिए और 2 महीना में अपना देखिए कि कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर 2 महीना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन के बाद 8वां दिन आपको, अगर आपको नहीं लगे कि अंतर, तो आप हमारे यहाँ से जा सकते हैं। चलिए, ग्रुप डी का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जो भी भाई को तैयारी करना है, आप लोग अवश्य बोलिए बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।